यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। वहीं राजनीतिक लोग बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने की संभावना भी जता रहे थे, लेकिन सारे दावे धरे के धरे रह गए। यहां पर बीजेपी 40 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी इस बार मिशन 80 के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन बीजेपी 2024 के लोकसभा के चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई। तो वहीं बीजेपी के कई मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट पर इस बार केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी का दबदबा काम नहीं आया। दरअसल खीरी लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग हुई थी। इस बार बीजेपी के टिकट पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी और इंडिया गठबंधन की ओर से सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा के बीच कांटे की टक्कर थी। बसपा के उम्मीदवार अंशय कालरा मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। 4 जून को फाइनल नतीजे में रोमांचक मुकाबले के बाद सपा के उत्कर्ष वर्मा ने अजय मिश्रा टैनी को 34,329 वोट से हरा दिया। काउंटिंग के समय केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी और उत्कर्ष वर्मा बार बार एक दूसरे को पछाड़ रहे थे। फिलहाल इस खेल के अंत में सपा के उत्कर्ष वर्मा की जीत हुई। बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा तो कहीं सीन में भी नजर नहीं आए। उत्कर्ष वर्मा को कुल 5,57,365 वोट मिले हैं, तो वहीं अजय मिश्रा टैनी को 5,23,036 वोट मिले। साल 2019 में यहां 64.20% वोट पड़े थे। उस समय अजय मिश्रा टैनी 6,09,000 वोट पाकर करीब 2,18,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। उन्होंने सपा प्रत्याशी डॉक्टर पूर्वी वर्मा को शिकस्त दी थी। पूर्वी वर्मा को कुल 3,90,000 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस पार्टी के जफर अली नकवी को कुल 92,000 वोट मिले थे। इस लोकसभा सीट पर साल 2014 के चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। हालांकि अजय मिश्रा टैनी 1,10,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। उन्हें इस चुनाव में कुल 3,98,000 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और बसपा के उम्मीदवार अरविंद गिरी को 2,88,000 वोट मिले थे। यहां बसपा उम्मीदवार जफर अली नकवी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे थे, लेकिन वह महज 1,83,000 वोटों में ही सिमट कर रह गए थे। उस समय सपा के रवि प्रकाश वर्मा को कुल 1,60,000 वोट मिले थे और वह चौथे स्थान पर रहे थे।